YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामा। दोस्तों आज हम पल्सर 150 करने जा रहे हैं। इसकी टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, देखते हैं स्टार्ट करके देखो कैसी आवाज़ आती है। ये हमने सीट खोल ली, अब इसकी टंकी तारें, ये हमने टंकी तार ली इसकी, ठीक है दोस्तों। खोल भाई, टाइमिंग टेस्टनर खोल रहे हैं, ये देखो हमने टाइमिंग टेस्टनर खोल रहे हैं इसके दोस्तों, और स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हमने टेस्टनर खोल लिया इसका। अब टेस्टनर खोल के देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है, टेस्टनर ख़राब निकलता है, जब भी ख़राब हो जाता है। लेकिन हम एक काम करेंगे, इसका टेस्टनर भी बदलेंगे और टाइमिंग चेन भी बदलेंगे, गार्ड वगैरह सब। ये देखो टेस्टनर ख़राब हो चुका, बेकार बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हम सबसे पहले इसकी पत्ती खोलेंगे, ये वाली, ये देखो हमने ये वाली पत्ती खोल ली थी। ये पत्ती खोल के हम पलक खोलेंगे, पलक खोल के चोर आ गए गुटके से। अब हम इसकी हेड कैप खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। बंद कर। ये देखो दोस्तों अब हम इसकी हेड की कैप खोल रहे हैं, ये हेड की कैप कॉइल खोल के, ये देखो कॉइल खोल के हम, ये अब हम हेड की कैप के 8 नंबर के बोल्ट खोल रहे हैं दोस्तों। टाइमिंग चेन बदलने का तरीका सबसे आसान तरीका, ये देखो ये बोल्ट, दो बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये निकाल लो 8 नंबर के। टैपिट कैप खोल रहे हैं इसके, ये हल्की सी लूज कर लो, ये लूज करने पे ये लूज करने पे हम ये खोल के हम 14 नंबर के बोल्ट नट खोल लो, ठीक है दोस्तों। चैन निकलने का तरीका बड़े आराम से, ये और ये जो स्टड हैं, ये स्टड हाथ से ही खुल जाते हैं दोस्तों। ये देखो चारों बोल्ट हमें हाथ से ही खोलने, जिससे कि चूड़ी ख़राब ना हो, ठीक है दोस्तों। ये देखो ठीक है दोस्तों, खोल लेंगे हाथ से, जिससे कि चूड़ी ना ख़राब हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्टड खुल चुका, अब ऐसे ही पल्ली तरफ के खोलेंगे ये तो दोस्तों हमारी पल्सर है, ये पल्सर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो ये हमने एलकी का बोल्ट लगा हुआ होता है, इसमें एलकी का बोल्ट नहीं है लगा हुआ। अब ये जो है ये एना बॉन्ड से चिपकाया हुआ है, इस पर थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे हम, ये पेट्रोल डाला हमने, ये आराम से निकल जाएगा। जैसे ये भी एना बॉन्ड लगी हुई, ये अभी आराम से निकल जाएगा प्लास की मदद से। ये देखो दोस्तों हमने पेट्रोल डाला है, आराम से निकल गया है, देखो ये ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। बाजे मैकेनिक भाई क्या काम कर रहे हैं, इसे वेल्डिंग से निकालते हैं, क्यों हम थोड़ा सा एना बॉन्ड लगाएंगे, जिससे कि रबड़ का छल्ला भी मुलायम पड़ जाएगा इसका, और जो एना बॉन्ड लगा रखी वो एना बॉन्ड भी सही खुल जाएगा पेट्रोल से। ऐसे ही ये चिपका हुआ है एना बॉन्ड से,
इस पर भी हम पेट्रोल मारेंगे, आराम से निकालेंगे इसे। तो हमने पेट्रोल लगाया इस पर, ये देखो कैसे खुल गई है ना बॉन्ड, आराम से निकलता है। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से निकलता है, और जो वैसे ही जोर लगाएंगे तो इसका फेस आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो बहुत ही आराम से निकलता है, ये से निकल गया है। ये देखो हमने एना बॉन्ड लगाया था, आराम से निकल गया, और ये देखो ये भी आराम से निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी ये टाइमिंग करारी खोलेंगे। टाइमिंग करारी खोलने के बाद में हम इसकी टाइमिंग चैन बदलेंगे, टाइमिंग चैन बदलेंगे और क्लच खोलेंगे। क्लच खोल के जब ही डलती है इसकी टाइमिंग चैन, इससे पहले नहीं डलती टाइमिंग चैन। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब हम इसकी केक खोल रहे हैं, केक खोल के क्लच कवर खोल के, क्लच खोल के इसकी टाइमिंग चेन बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारी केक खुल गई। हाँ दोस्तों, ये हमने गेज खोल लिया, क्लच कवर के सारे बोल्ट खोल लिए दोस्तों। एक ये रह गया, ये दो बोल्ट रह गए, दो बोल्ट और खोलेंगे। कभी भी इन्हें मत भूलना कि ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर जो नहीं खोल लेंगे तो बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। ये दो आठ नंबर के बोल्ट ये खोल लें आप, देखो ये टाइम पे सर्विस नहीं हुई गाड़ी की, इसलिए इतना नुकसान हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, गाड़ी की टाइम पे सर्विस होनी चाहिए, और जो सर्विस नहीं होगी तो ऐसा ही होएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसे लूज करके हमने क्लच कवर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसका सीजर गियर खोल रहे हैं, इसका ये सीजर गियर हमने खोल दिया, और ये वाशर है, वाशर का ध्यान जरूर रखना है। ये हमने सीजर गियर निकाल लिया इसका। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो बाद में भी निकल जाएगा, ये खोलो दोस्तों। ये स्पेशल टूल आता है इसका, ये यहाँ गरारियों में फंसाया, ये देखो ये हमने गरारी में फंसा लिया, आराम से ये खुल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये बहुत प्यार से खुलता है दोस्तों। ये देखो स्क्रू ख़राब हुआ हुआ इसे दोस्तों। हमने कैप खोल ली इसकी, कैप खोलने के बाद में इसे पुलर से खोलेंगे। ये दोस्तों हमने नट खोल लिया है, तो ये हमने चार बोल्ट खोलने हैं। ये देखो, ये देखो चारों बोल्ट, ये चारों बोल्ट खोल लिए हमने, चारों बोल्ट 10 नंबर के ये खोल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों स्क्रीन खोल लिए। ठीक है, फिर हम इसका कूलर लगाएंगे ये, और फिर हम ये इससे खोल लेंगे। जो ये उल्टी चूड़ी होती है, टाइट करने पे खुलता है ये। ठीक है दोस्तों, टाइट करने पे खुलता है ये, लूज करने पे टाइट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हम खोलेंगे। दोस्तों देखो, ये उल्टी चूड़ी होती है इसमें, ये उल्टी चूड़ी ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्लच होता है उल्टी चूड़ी का होता है, खुल गया हमारा क्लच, ये वाशर खुल गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लच असेंबली निकल चुकी है।
ये हमारा सीजर गियर निकल चुका है और ये हमारा, ये अब हमें टाइमिंग खोलनी है दोस्तों। चल बोल्ट खुल चुका है हमारा, ये इसका बोल्ट खुल चुका है। देखो ये बोल्ट खुल चुका, निकल चुकी, ये कैम निकाल लेंगे हम। ये कैम निकल गई, ये टाइमिंग चैन निकल चुकी और ये नीचे से निकल चुका। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों टाइमिंग चैन बिल्कुल इसकी ख़राब हो चुकी। पाँच नंबर की से हम इसका चैन गाइड खोलेंगे दोस्तों। ये देखो हमारा ये चैन गाइड खुल चुका। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट खुल चुका और ये टाइमिंग चैन गाइड खुल चुका। दोस्तों टाइमिंग चैन देखो, ये गाइड कट चुका, ये